नशे में है वो। वो आज भी समझ रही थी कश्मीर तो मेरा बाप का जगीर है, नहीं रहा, नहीं रहा, नहीं है। सोशल मीडिया की सबसे बड़ी सनसनी, जिनके पहले भाषण से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैन हो गए। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, एक चीज जरूर खोएंगे वहां, दो परिवार का रोजी रोटी खोएंगे और कुछ नहीं। वो सांसद जो आपके सामने आने वाले हैं, उन्होंने कहा था ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, अभी तो ट्रेलर है, सुनने की क्षमता रखिए। कौन सी पिक्चर दिखाना चाहते हैं? जमयांग सेरिंग नमग्या। जब हम इनका इंटरव्यू करने दिल्ली के जेएंडके हाउस पहुंचे तो वहां बहुत चौंकाने वाला वाक्य हुआ। हमारी टीम कार से पहुंची और सांसद जमयांग सेरिंग नमग्याल ऑटो से पहुंचे। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। हमने बहुत सारे नेताओं के इंटरव्यू किए हैं, बहुत सारे फिल्म स्टार्स के इंटरव्यू किए हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन के इंटरव्यू किए हैं, लेकिन हमारे साथ जो आज शख्सियत है वो सिर्फ सांसद नहीं है। वो रातों रात हर मोबाइल पर, हर जुबान पर छा गए हैं, हर कोई उनको सुनना चाहता है, क्योंकि उन्होंने संसद में जब धारा 370 को लेकर, आर्टिकल 370 को लेकर चर्चा चल रही थी, ऐसा शानदार भाषण दिया कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि उनका इंटरव्यू कब कर रहे हो। हमारे साथ लद्दाख के सांसद जमयांग सेरिंग नमग्याल मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत जी। सर, मैंने बहुत सारे लोगों से कई बार ये पूछा है कि आप रातों रात स्टार बन गए, कैसा लगा? किसी नेता से आज तक नहीं पूछा था, शायद ये पहला मौका है कि मैं नेता से पूछ रहा हूँ कि आप रातों रात सोशल मीडिया सेंसेशन बन गए। वो बात आपको हजम हो रही है, उसके बाद की फीलिंग क्या है आपको जब रिएक्शंस मिले ट्विटर पर, फेसबुक पे, वो सारी चीज़? जी, मैं समझता हूँ स्टार नहीं बना हूँ। जिस क्षेत्र से, जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, मैं अभी भी वही हूँ। लेकिन संसद में जो मैंने वहाँ पे अपने भाषण में जो भावनाएं मैंने प्रकट की, वो हमारे लोगों के, इसी देशवासियों के, अपने परिवार के, अपने गांव वालों के, अपने लद्दाख क्षेत्र वालों के, जो आज तक बीते 70 साल में जो गया गुजारा, वही कहानी में से कुछ निकाल के मैंने संसद में जो प्रकट किया। और आज मुझे खुशी है माननीय प्रधानमंत्री जी से लेके, माननीय गृह मंत्री जी से लेके पूरे देशवासी ने उस भावना का समर्थन किया, और लोगों ने उस भाषण के द्वारा लोगों को ये जानने लगा कि लद्दाख क्या चीज़ है, लद्दाख कहाँ है, कैसे है। ये सबसे मेरे लिए संतुष्टि की बात है, और मैं समझता हूँ लोगों ने जो मुझे जिम्मेवार दिया, शायद मैं वो जिम्मेवार निभाने में शायद कमी अब होते हुए जो ऐसा कुछ मुझे महसूस हो रहा है। बल्कि इसके अलावा मैं अपने आप को रातों रात स्टार बन गया, ऐसा मैं बिल्कुल ही नहीं मानता हूँ। नहीं, लेकिन आपने जो कहा सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि बहुत सारे लोग लद्दाख को जानते तो थे कि 3 इडियट की शूटिंग हुई है, घूमने जा सकते हैं, अच्छी डेस्टिनेशन है, लेकिन वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, क्या कमियाँ हैं, वो किस, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बहुत लोगों को नहीं पता थी। और उस दिन के बाद जब आपका वीडियो वायरल हुआ तो बहुत सारे लोगों को पता चला, इसलिए आपके भाषण की बहुत अहमियत है इस देश के इतिहास में, हमेशा वो भाषण बहुत अहमियत रखेगा। लेकिन मैं लद्दाख पर आपसे विस्तार से चर्चा करूँ, उससे पहले मैं मोमेंट समझना चाह रहा हूँ आपसे कि जब आप भाषण देकर निकले, तब आपको पता चला कि आपने इतना अच्छा बोल दिया, या जब आप ट्विटर फेसबुक पर रिएक्शन देख रहे थे तब आपको रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने तो बहुत अच्छा बोला लगता है? नहीं, जो मैंने संसद में बोला था उससे पहले भी मैंने इस कॉन्सिक्वेंसिस का मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरा मैं यही सोच रहा था कि वहाँ पे आज शायद अगर मुझे बोलने के मौका मिले, ये भी नहीं पता था, क्योंकि संसद में बहुत सारे सीनियर्स ऑनरेबल MPs बैठे हैं, बहुत सारे रिप्यूटेड लॉयर्स बैठे हैं, बहुत सारे रिप्यूटेड डॉक्टर्स, हर बैकग्राउंड के इस डेमोक्रेटिक टेंपल में हर बैकग्राउंड के इतने, मतलब ज्ञान के सागर बैठे हैं। अब उस सागर में 1 मिनट के या 2 मिनट के एक कुछ बोलने को भी मिले, वो भी हमारे लिए एक सौभाग्य होते हैं। और विशेष रूप से हम जैसे जो नए संसद हैं,
जो अभी तो सीख गए, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर क्या होता है, बोलना कैसे होता है, अनुमति कैसे लेना होता है, नोटिस कैसे देना होता है, ये सारा सीख रहे होते हैं। तो इस पल में मैं यही तैयार करके गया था कि जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन बिल पे चर्चा होना है और लद्दाख को यूटी बनने जा रहा है, ऐसा प्रस्ताव ला रहा है, तो मैं लद्दाख का हूँ तो इसलिए मुझे बोलने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन नहीं पता भारतीय जनता पार्टी को एक टाइम स्लॉट मिलता है उसमें नया संसद को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे भरोसा था कि हाँ लद्दाख से हूँ तो बोलने का मौका दिया जाएगा। तो आप इसलिए मैंने सिर्फ एक बुलेट पॉइंट बना के ले गया था, वो जो तीन पन्ने आप पलट रहे थे, हाँ उसमें सिर्फ बुलेट पॉइंट था, मोटा 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 पॉइंट था, लेकिन उसको कैसे एक्सप्लेन करना, एग्जांपल क्या देना, लॉजिक क्या देना, तार्क क्या देना, भाषा के क्या फ्लुएंसी रहेंगे, आवाज़ किस दर लिमिट पे, वो सारा नहीं पता था। लेकिन जब वहाँ पे दिन भर दो दिन से राज्यसभा से लेके लोकसभा तक जो बहस चल रहे थे सुबह 11 बजे से राज्यसभा से लेके फिर दूसरे दिन लोकसभा, तो मैंने हर ऑनरेबल सीनियर मेंबर्स का, क्योंकि हमें भी जो भी सीनियर मेंबर जिस पार्टी का भी हो बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने पूरा और विशेष रूप से इस तरह के जो विधेयक पे चर्चा हो तो मैंने सीखने की कोशिश करके मैंने पूरा सुना। फिर सुनते सुनते पूरा पॉइंट्स वहाँ भी कलेक्ट करते गया तो मैंने सोचा कि इस पॉइंट को इस तरह से जवाब देना चाहिए, इसको इस तरह से करना चाहिए। जब आप बोलने उठे नर्वस थे थोड़ा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जब मुझे बोलने का जब मौका मिला तो मैंने तुरंत सोच लिया कि यही एक लद्दाख वासियों का, वहाँ की निवासियों का एक भावना को प्रकट करने का राइट टाइम एंड राइट प्लेटफॉर्म है। अगर मैंने ये मौका गवा तो शायद लद्दाख वाले केवल इलेक्शन में ही नहीं बल्कि जन्म जन्म मुझे माफ़ नहीं करेंगे। तो मैंने ये सोचा कि जो जिम्मेवारी मुझे दिया गया मैं वही प्रकट कर रहा था। और उसके बाद सोशल मीडिया में जो चला, मुझे मेरा कोई दोस्त बता रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपका स्पीच का जो ट्वीट किया है, और उससे पहले माननीय गृह मंत्री जी का रिएक्शन तो मैंने वहाँ देख लिया था, माननीय रक्षा मंत्री जी का भी, राजनाथ सिंह जी का भी, और सभी माननीय मंत्री जी का जो सब वहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे थे, वो लोग मुझे इनकरेज कर रहे थे, जैसे कि एक इस संसद का एक अच्छा परंपरा है, जो भी नया सांसद बोलते हैं उसको हौसला अफजाने की बहुत कोशिश चलते हैं यहाँ पे, ये जिस पार्टी का भी हो। और मैंने देखा कि जब आपका भाषण खत्म हुआ स्मृति ईरानी तुरंत आपके पास आई। जी क्या जी, कहा उन्होंने? जी उन्होंने इसका अभिनंदन किया कि हौसला किया कि बहुत अच्छा बोले आपने, लोग आपसे खुश है, आपने इतना प्रभावी भाषण किया। तो मैंने तो सोच रहा था कि गलती तो मैंने बहुत किए होंगी लेकिन फिर भी एक उनका बड़प्पन है जो नए मेंबर्स को कहते हैं ना कि उंगली पकड़ के चलाने के चलने के जो सीख दे रहे थे। आपकी वो लाइन बड़ी फेमस हुई कि अभी बैठो बैठो अभी तो ट्रेलर है संसद में जब वाद विवाद होते हैं तो थोड़ा माहौल भी बनता है सही, आपको इनकरेज कर रहे थे तो वो बना होगा। लेकिन मैं जब आपका भाषण खत्म हुआ मैंने सबसे पहले ट्वीट किया था कि ये दिस वॉज द स्पीच ऑफ द डे, और मैंने आपको सर्च किया, आपका ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड नहीं था, आपके शायद 4000 फॉलोअर थे रात में, और अभी आने के पहले मैंने आपका देखा अकाउंट वेरीफाई हो चुका था और आपके 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर थे। मुझे नहीं पता, शायद पीएम मोदी आए होंगे ट्विटर पे तब इतनी फॉलोइंग बढ़ी होगी। वो फॉलोइंग, फेसबुक पे आप फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ये सब क्या फीलिंग दे रहा है? नहीं ये एक मुझे अच्छा ये चीज़ लग रहा है कि लोग जो है इस भावना को पूरे लद्दाख को भारत देश स्वीकार कर रहा है, ये खुशी की बात है। क्योंकि मैंने उस भाषण में कहा बीते हुए आज़ादी से ले के पिछले 70-71 साल तक लद्दाख चाहते थे कि भारत के साथ अटूट अंग बने, जुड़े रहे, लेकिन जब डेली लाइफ में जब हमारे बच्चे यहाँ जम्मू में, दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलोर जहाँ जहाँ पढ़ते हैं, तो किसी दुकान में, रेस्टोरेंट पर कहीं जाए तो उनको कमेंट्स करते थे, ये छोटे नाग वाले हैं, छोटे काम, लद्दाख, लद्दाख कहाँ है, इंडिया में है, चाइना में है, लोगों को नहीं पता होता है। लेकिन आज इस सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग से लेके आज तक जो फॉलोअर्स बढ़े हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट बढ़े हैं, तो मैं समझता हूँ लोग लद्दाख को जानने के बाद स्वीकार कर रहा है। आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ी है। Exactly. और मैंने देखा आपने एक पोस्ट भी किया, किसी ने कार्टून बनाया था कि विपक्ष के लोगों को नामग्याल जो है वो पटक पटक के धो रहे हैं, और आपने उसको रीट्वीट भी किया था। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ एक और रिएक्शन की, देखिए बाहर के लोग तो आपके साथ जुड़ गए, वो अच्छी बात है,
लेकिन परिवार का रिएक्शन क्या था जब आपने ये भाषण दिया, उसके बाद घर पे बात हुई, घर पे क्या बोला लोगों ने? नहीं, घर पे मेरा बात होते रहते हैं, लेकिन मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ उनको ये सोशल अवेयरनेस इस लेवल तक नहीं होते हैं। फार्मिंग लाइफ है, गाँव में रहते हैं, उनका बिल्कुल अपना एक ज़िंदगी होते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि दिल्ली में क्या चल रहा है, न्यूज़ में क्या चल रहा है। भाषण सुना था फैमिली में? कह रहे थे कि टीवी में बार बार आ रहा है, आजकल क्या चल रहा है जिस चैनल को भी लगाऊं कि बार बार आ रहा है, चल क्या रहा है, उनको यहीं तक पता है। लेकिन उनको सेटिस्फेक्शन ये है कि बेटा नाम रोशन कर रहा है। और लद्दाख के आपके दोस्त वगैरह या बाकी लोगों का रिएक्शन क्या आया? उन्हों का बहुत इंकरेजमेंट मिल रहा है, लोग खुश है, लोग कह रहे हैं कि जिस काम के लिए हमने आपको भेजा उसे ज़्यादा आप कर रहा है और लद्दाख इस लेवल पे आप आ रहा है। बीते हुए 70 साल जो लद्दाख इंडिया के मैप पे नहीं आ पाया, आज आपने मैप पे, मतलब आइडेंटिटिकल मैप पे, ऐसे तो मैप पे थे, हिंदुस्तान के मैप पे रहते हैं, लेकिन जो लोगों के माइंड के मैप होते हैं वहाँ पे नहीं था, तो ये माइंड के मैप पे लाने का काम आपने किया, ऐसा मेरे दोस्तों मुझे कह रहे थे। ठीक है, मैं थोड़ा सा अब आपसे समझना चाहता हूँ कि आर्टिकल 370 हटने और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास होने के बाद आपको लद्दाख से और जम्मू कश्मीर से, क्योंकि आपके वहाँ भी लोग होंगे, आपने पढ़ाई भी की है वहाँ पर, तो आपको क्या रिएक्शन मिल रहा है, लोग किस तरीके से ले रहे हैं इसको? नहीं, जहाँ तक मुझे रिएक्शन मिल रहा है, सिंसियरली टेलिंग यू, एक भी मुझे नेगेटिव किसी ने ये नहीं कहा कि ये आप लोगों ने गलत किया, एक भी सुनने को नहीं मिला। क्योंकि जिस तरह मेरा स्पीच सोशल मीडिया में वायरल है और मेरा अपना पर्सनल मोबाइल नंबर भी फेसबुक पे दिया है, वो तो मुझे दिन को करीब 300 से 500 तक कॉल आते हैं, बहुत सारे अटेंड भी नहीं कर पाते हैं, मैं क्षमा चाहूँगा और आपके माध्यम से मैसेज भी दूँगा व्हाट्सएप पे, मैसेज पे, लेकिन जितना भी मुझे मैसेज आया जम्मू कश्मीर से लेके लद्दाख से, हिंदुस्तान के हर कोने से, सबका यही कहना है ये नरेंद्र मोदी जी ने वाकई देश हित में एक कदम लिया है, और विशेष रूप से जम्मू के और कश्मीर के और लद्दाख के तीनों खित्ते के जो कॉमन मैन है सब खुश है। लोग कहते हैं वहाँ से आर्टिकल 370 होने से पहले जो काल तक वहाँ के ग्राउंड सिचुएशन क्या थे और आने वाले क्या होने वाला है, ये लोग अच्छी तरह से समझते हैं। क्योंकि आज तक लोग कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल लद्दाख में आज तक मेडिकल कॉलेज ना गवर्नमेंट ने दिया ना प्राइवेट आ पाया, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, एजुकेशन, केवल एजुकेशन सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, तो लोग कहते हैं कि 370 से पहले जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने रूल किया था नहीं दिया उन्होंने, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाते थे क्योंकि 370 वहाँ पे है। अब 370 हटने के बाद अब लोग एक्सपेक्ट करें कि नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े फैसले ले सकते हैं, तो अब इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज तो क्या बात है। और प्राइवेट इन्वेस्टर बहुत सारे मुझे फ़ोन आ रहे थे कि ऐसा है, हमने वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कैसा करना, लोग कंसल्ट कर रहे हैं, तो मैंने लोगों को बोला फिलहाल जल्द बस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको अभी सेटल होना चाहिए। और लद्दाख के लोगों के हमारा कंसर्न है, बीइंग देयर मेंबर पार्लियामेंट, बीइंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, इट्स ये सबसे पहला मेरा जिम्मा और बनता है कि मैं उस जगह के कल्चर को, इन्वायरमेंट को, वातावरण को, जगह को, लैंड को किस तरह से प्रोटेक्ट करूं इन द इंटरेस्ट ऑफ लद्दाख एज वेल एज इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। क्योंकि मैं पार्लियामेंट के अपने संबोधन में भी मैं बार बार कह रहा था कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ के कल्चर, वहाँ की पहचान, वहाँ के रीति रिवाज, आज जिस नाम से लद्दाख जाना जाता है, जिस कारण से जाना जाता है, वो नाम और वो कारण हमेशा रहना चाहिए, वो प्रोटेक्ट करना ये केवल मेरा ही नहीं, भारत सरकार का और साथ ही साथ पूरे देश के सिटीजन का, नागरिकों का ये जिम्मेवार बनता है। एक चीज़ मुझे बताइए, अगर लद्दाख के लोगों को ये लग सकता है कि हिंदुस्तान के साथ जाने में फ़ायदा है, हमारा विकास है, हम इन्हीं का हिस्सा हैं और यहाँ बेहतरी होगी, तो कश्मीर के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ये भावना क्यों नहीं है, उसकी वजह क्या है? कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में कह रहा हूँ, पूरे कश्मीर में नहीं, उस डिस्ट्रिक्ट में भी जी, मैं मुझे पता है कश्मीर के 6 डिस्ट्रिक्ट के, मैं गिनती बता सकता हूँ, 6 डिस्ट्रिक्ट के पूरा डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है, 6 का 6 डिस्ट्रिक्ट पूरा अफेक्टेड नहीं है,
फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में एक तहसील, सेकंड डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लॉक, थर्ड डिस्ट्रिक्ट में दो विलेजेस, ऐसा है। तो वहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है जो लोगों को उकसा रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, लोगों को गलत दिशा दिखा रहा है। इस वजह से कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करते हैं, तो वो वाला वातावरण है। अभी लोग समझ चुके हैं, लोगों ने 70 साल में क्या पाया, 370 के अंडर पाया है तो कुछ नहीं। अब किसी से भी पूछ ले, धारा 370 होते हुए इंडियन पार्लियामेंट ने जो वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट ला के या कानून नया बना के, ऐसा 106 कानूने हैं जो जम्मू कश्मीर में आज तक लागू नहीं है, जिसके वजह से जम्मू कश्मीर के कॉमन मैन आज तक संकट में है। फॉर एग्जांपल, बाल विवाह के अगेंस्ट जो कानून बना, बाल विवाह के खिलाफ कानून बना, वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। आप सोच सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में आप किसी बाल या बालिक या बालिका से भी आप शादी करो, अंडर 18, अंडर 15, अंडर 13 से भी शादी करो, कोई रोक नहीं है। तो लोग उससे बाहर निकलना चाहते हैं। यहाँ पे जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आपके पॉलिसी है, कश्मीर जो है इतने खूबसूरत जगह है, लेकिन उस खूबसूरती को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून वहाँ पे लागू नहीं है। लोग चाहते हैं कि उस, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, लद्दाख के क्लाइमेटिक कंडीशन, जियो क्लाइमेटिक कंडीशन, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, कल्चरल कंडीशन, ये सारा प्रोटेक्ट करने के लिए जो कानून भारत के संसद ने बना है वो वहाँ पर लागू होना चाहिए। तो लोग जानते हैं ये चीज़ें अगर 370 के हटने से इतने सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं तो लोग उसको स्वागत ही करेंगे। एक दो सवाल पूछ के मैं ख़त्म करूँगा कि पहला सवाल तो ये कि ये कर्फ्यू, ये 144, ये हटने के बाद आपको लगता है कितने दिनों में चीज़ें सामान्य होंगी, या ये हटेंगे तो क्या कोई एडवर्स रिएक्शन हम देखेंगे? ये पूरे जम्मू कश्मीर को एक ही चश्मे से हम नहीं देख सकते, कुछ जगह हो। हाँ, अब लद्दाख देखिए, अब तो जम्मू कश्मीर से अलग हो गया है, लद्दाख देखिए बिल्कुल पीसफुल एरिया है। करगिल में कुछ नहीं होगा, करगिल के 3 तहसील में कर्फ्यू लगे हैं। अब 3 तहसील को देख के पूरा करगिल आप डिसाइड नहीं कर सकते। 3 तहसील में जो चल रहा है वो भी मुझे, मेरे पास पूरा इन्फॉर्मेशन है। यहाँ से कांग्रेसों ने, अब संसद में तो इनको विरोध नहीं कर पाया, अब ये देखिए माननीय गृह मंत्री जी ने धारा 370 हटने से क्या मेरिट्स हो सकते हैं 100 पॉइंट्स गिन के बताया, लेकिन विपक्षी दलों को, उनके नेताओं को एक डिमेरिट भी गिन के नहीं बता पाया। ठीक है, अब इस बोगलाहाट को जो है प्रकट करने के लिए यहाँ से वहाँ ले में फ़ोन करके, ले से 2-3 लोगों को जो इनके समर्थक है, 2-3 लोगों को करगिल भेज के रातों रात वहाँ फ़ोन करके, रातों रात मैसेज मीटिंग करवा के उकसा रहे कांग्रेस वाले, आपके कांग्रेस वाले एग्जैक्टली, और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इसमें शामिल है। पीडीपी खैर करगिल के वातावरण बिगाड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वाले ये कर रहे हैं, और ख़ासकर कांग्रेस वाले कर रहे हैं। करगिल में जो इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं वो करबलाई साहब है, जो इससे पहले एमएलए रह चुके हैं। और मैं आपको, आपने सवाल किया तो मैं बताना चाहूँगा ये क्यों कर रहे हैं, उनका इंटेंशन क्या है। करबलाई साहब एमएलए इलेक्शन लड़ने से पहले वहाँ चेयरमैन था, जो कैबिनेट रैंक का होते हैं, कैबिनेट रैंक पे होते हुए एमएलए लड़ा तो एमएलए जीत गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में उनका सरकार कांग्रेस का नहीं आया, लेकिन फिर भी कैबिनेट कुर्सी छोड़ के एमएलए उसने स्वीकार किया। हो सकता है अगर करगिल के भलाई देखना है तो उसको कैबिनेट चेयर पे बैठ के लोगों को सर्विस देना चाहिए था, उसने कैबिनेट छोड़ा, एमएलए ज्वाइन किया। क्यों किया? आज गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ पे है तो करबलाई साहब के बलिदान पे है, कैबिनेट कुर्सी छुड़वाया, एमएलए बना, ताकि एमएलए बैठ के राज्यसभा एमपी के लिए वो वोट कर पाए, यही सच्चाई है। ठीक, फिर अभी राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद साहब बैठे तो करबलाई के साहब ने, अब करबलाई साहब को एमएलए सीट दिलाना गुलाम नबी आज़ाद साहब का जिम्मा है। अब यूटी बनने के बाद असेंबली गया तो एमएलए सीट भी गया, अब करबलाई साहब कहाँ जाएंगे? इसलिए वो अपने कुर्सी को वापस लाना चाहते हैं, इसलिए करगिल को गुमराह में कर रहे हैं। लेकिन
मेरे अगर आपको चाहे तो मैं अपने फ़ोन से दिखा सकता हूँ कौन लोग मुझे फ़ोन करके वहाँ बता रहे थे। अच्छे अच्छे लीडर जिन्होंने करगिल को दशक के जो है 10-10 साल उन्होंने सर्विस दिया, वो लोग मुझे फ़ोन करके बोल रहे कि एमपी साहब बिल्कुल नहीं झुकना, आप लोगों ने जो निर्णय लिया करगिल के हित में लिया, कॉमन मासिस के हित में लिया, वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर्स है जो DSP रैंक का है, वहाँ के जो ऑफिसर्स है जो ADC रैंक का है, वो लोग मुझे फ़ोन करके बता रहे थे। क्योंकि ग्राउंड लेवल को पता है जो एम्प्लॉयज आज तक कश्मीर में ट्रांसफ़र रहा उन पे क्या बीता, ये वो लोग जानते हैं। जो हमारे लद्दाख के लोग कश्मीर में, जम्मू में, पुलिस में, सिविल एम्प्लॉयज़ में जो वहाँ ट्रांसफ़र होते, वो लोग जानते हैं कि दुख तकलीफ क्या होते हैं ऐसी कमरे में बैठ के, ये जो हल्ला मचा रहे हैं ये नहीं समझ पाए। देखिए, बहुत ज़रूरी था सर कि आपकी आवाज़ भी लोगों तक पहुँचे, क्योंकि कुछ लोगों ने कश्मीर की आवाज़ होने का एक तरीके से पेटेंट करा रखा कि वही हैं और कोई नहीं है। तो इसलिए उस दिन मुझे लगता है इस इंटरव्यू के जरिए लोगों को सुनकर ये विश्वास आएगा कि एक तो प्रधानमंत्री ने एक रोड मैप तैयार किया है, उनके राष्ट्र के संबोधन में वो दिखा है, और आप भी चूंकि वहाँ से हैं, आप कह रहे हैं कि कुछ हिस्सों को छोड़कर बाकी पूरा कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख चाहता है कि उसका विकास हो, और वो इसके पक्ष में, ये बहुत अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, अभी हम लोग इंटरव्यू के लिए आए तो पता चला कि ऑटो से एक शख्स उतरा है और वो रामग्याल साहब थे, आप थे। आप ऑटो से क्यों चल रहे हैं? आप ऐसे ही सरल रहते हैं, लोग सोचते हैं सांसद मतलब गाड़ी लाओ लश्कर। नहीं, लोगों की सोच पे तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान में 135 करोड़ लोग रहते हैं, तो ऑब्वियसली 135 सोच होंगे। लेकिन ऑटो से चलना कोई हैरान की बात नहीं है, जो हिंदुस्तान के 135 करोड़ नागरिक जो है यही लाइफ जीते हैं, तो मैं समझता हूँ कि यही हमारी ज़िंदगी है, तो ज़िंदगी किस तरह जिए वो अपने मर्ज़ी की बात है। हिंदी इतनी अच्छी कैसे? नहीं, मैं अभी सीख रहा हूँ हिंदी, इतना भी अच्छे नहीं है, लेकिन मुझे गर्व है मैं इंटरव्यू हिंदी में दे पाता हूँ, क्योंकि ये मेरे देश की मातृभाषा है। बहुत अच्छा आप बोल रहे हैं। और आखिर में क्या आप कोई, आप मैंने सुना आप कविता लिखते हैं, उस आपने भाषण कविता से एंड किया था, ये इंटरव्यू करना चाहें तो कर सकते हैं सर, अगर आपको कोई याद हो या दो लाइन उसी दिन वाली अगर आप कह सकते। गर्व वही है जो सबसे पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो स्लोगन दिया, वो हर हिंदुस्तान के निवासियों के, नागरिकों के जबान पे होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ एक ही देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेगा, तो उसी से प्रेरणा लेते हुए जो तिरंगा पे मैंने उस दिन कहा था, अब उसको दोहराने की तो मुझे ज़रूरत नहीं लगता है कि अगर किसी को सुनना चाहे तो वहीं से सुन ले उसके बाने, और उस स्पीच में जो जो मैं पॉइंट्स है वो भी लोग सुन लेंगे। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। और आप 34 साल के हैं और आप जिस क्लैरिटी के साथ बात रख रहे हैं, जो विजन है आपका, इससे एक और चीज़ लोगों के दिमाग में जाती है कि हमारा भविष्य जो है वो बहुत सुरक्षित हाथों में है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार। We'll be right back.